हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपने लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया है तो आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, आपका इंतज़ार हो चुका है ख़त्म। RSMSSB ने रिजल्ट जारी कर दिया है। किसके लिए? ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए और होम साइंस सब्जेक्ट के लिए रिजल्ट इन्होंने जारी कर दिया है। कट ऑफ मैंने मेंशन कर दी है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, देखिए ज्योग्राफी की अगर मैं बात करता हूं तो नॉन टीएसपी में कितनी वैकेंसी थी? 123 पोस्ट थी। टीएसपी में 10 पोस्ट थी, टोटल हमारी 133 पोस्ट थी। बात क्लियर हो गई? तो इसमें जो स्टूडेंट जो अभी रिजल्ट जारी किया है तो 2 गुना स्टूडेंट पास किए हैं, यानी 133 के 2 गुना स्टूडेंट पास किए हैं। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि आपका जो रोल नंबर है वो आपका आ चुका है किसमें, इन 2 गुना स्टूडेंट में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो 2 गुना स्टूडेंट हैं ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं। बात क्लियर हो गई? अब देखिए बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ, मेल है, ये फीमेल है, ये विधवा महिलाएँ और ये जिनका डिवोर्स हो चुका है वो महिला की कैटेगरी है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो मेल की जनरल कैटेगरी में जो गई है 228.66, यही फीमेल की गई है। बात क्लियर है? EWS की बात करते हैं तो मेल की 216, फीमेल की 216। SC कैटेगरी की बात करते हैं तो मेल की 212, फीमेल की 208। ST कैटेगरी की बात करता हूँ तो मेल की 206 और फीमेल की 206। ये किस सब्जेक्ट की है? ज्योग्राफी सब्जेक्ट की है। और जो ये मैंने कुछ भी कैटेगरी यहाँ पे जो कट ऑफ मेंशन नहीं की है, ये जो PDF है उसमें भी कुछ मेंशन नहीं था, यानी कि नॉट अवेलेबल, आप मान के चलें कि अभी नॉट अवेलेबल है। बात क्लियर है? तो OBC की बात करता हूँ तो मेल की 226, फीमेल की भी 226 गई है OBC कैटेगरी की। MBC की मेल की 220, फीमेल की 207 कट ऑफ गई है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। और जो ये आपका रिजल्ट जारी किया है 2/9/2022 को, आज 4 तारीख है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। होम साइंस की अगर मैं बात करता हूँ तो नॉन TSP एरिया में 35 सीट थी और TSP एरिया में 4 सीट थी, टोटल 39 थी। तो 2 गुना पास स्टूडेंट किए गए हैं होम साइंस में भी, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पास हुए हैं। बात क्लियर हो गई? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ सेलेक्ट किया जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, तब आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ तो मेल की 182 गई है, फीमेल की भी 182 गई है, और जो विधवा महिला है उनकी 158.66 कट ऑफ गई है। EWS की बात करते हैं तो 176 गई है मेल कैंडिडेट की। SC की बात करते हैं तो 170 गई है मेल कैंडिडेट की, फीमेल की मेंशन नहीं है। ST में की बात करते हैं, ST कैटेगरी की, तो 153.33 गई है ST कैटेगरी मेल कैंडिडेट की, फीमेल की यहाँ पर भी मेंशन नहीं है। OBC कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ तो 177 और फीमेल में भी 177 गई है। OBC कैटेगरी होम साइंस स्टूडेंट, होम साइंस सब्जेक्ट मेल और फीमेल, ज़्यादातर जो मेल और फीमेल की जो कट ऑफ गई है वो सेम ही गई है। MBC की बात करता हूँ तो 174 गई है मेल कैंडिडेट की। तो बात क्लियर हो गई? तो दोस्तों, रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा आपको PDF मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। अगर आपका रोल नंबर आ गया है तो आप सिलेक्ट हो चुके हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अगर वहाँ भी आप क्लियर हो जाता है, आपके डॉक्यूमेंट सही होंगे, तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, अदरवाइज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो साइंस कैटेगरी वालों का आने वाला है। तो दोस्तों, जब रिजल्ट आएगा साइंस का तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।